विधानसभा चुनाव की मतगणना कड़ी सुरक्षा में हो इसके लिए प्रशासन सख्त हो गया है। जनपद कानपुर देहात में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने मतगणना को लेकर के की गई तैयारियों के बाबत प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दी, तो वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिले के एसपी स्वप्निल ममगई ने पत्रकारों को बताया कि मतगणना के समय मतगणना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था किसी प्रकार की गड़बड़ी या दूसरे जिले में भ्रामक खबर फैलाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए हैं। विधानसभा चुनाव में इस तरह का आदेश पहली बार उत्तर प्रदेश में दिखा, जब गड़बड़ी करने वालों को मौके पर देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। दस मार्च को सवेरे 8 बजे से जो 4 विधानसभाएं कानपुर देहात की हैं, सभी में मतगणना प्रारंभ होगी। पहले पोस्टल बैलेट से प्रारंभ होगी और 8:30 बजे से ईवीएम की जो गणना है वो प्रारंभ होगी और ये पूरा कार्य जारी होने तक रहेगी। हमारे जनपद में 29 से लेकर 31 तक राउंड है जो पेंडिंग अपॉन बूथ, तो हम लोग आशा करते हैं कि हमारा जो पहला ट्रेंड है वो तो खैर 9 बजे तक से पहले पहले आ जाएगा। उसके अलावा करीब 4 बजे तक हम लोग उम्मीद रखते हैं कि सारे मशीनों की हमारी गणना पूरी हो जाएगी और उसके बाद हम लोग निर्वाचन की घोषणा, परिणाम की घोषणा कर सकेंगे। देखिए, हमारा सोशल मीडिया सेलेक्टिव है और सोशल मीडिया एक एक चीज को कैच करता है, हम तक पहुंचाता है, हम उसकी ऑन मेरिट जांच भी कराते हैं और जहां पे आवश्यक कार्रवाई हो वो करते हैं। लेकिन मेरी सलाह यही रहेगी कि विशेष रूप से अगले 3 दिन बड़े इम्पोर्टेंट हैं, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख। इस दौरान कोई भी, हम सबको विश्वास रखना चाहिए, सब प्रेक्षक महोदय भी मौजूद हैं, जनरल ऑब्जर्वर्स, हम सबको विश्वास होना चाहिए हमारी व्यवस्था पे, माननीय निर्वाचन आयोग पे, पुलिस प्रशासन पे, कि सब ऑन मेरिट काम होगा। उसके बावजूद भी अगर कोई असामाजिक तत्व या कोई भी, चाहे किसी भी दल का हो, पार्टी का हो, कैसा भी हो, आपराधिक छवि का तत्व अगर कहीं से भी कोई भी छेड़खानी करने की कोशिश करता है या बाधा डालने की प्रक्रिया कोशिश करता है या अन्य जनपद में कहीं कानून व्यवस्था बिगाड़ने की भ्रामक सूचना देने की कोशिश करता है, तो उस पर कठोरतम कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। आवश्यकता अनुसार हमारे पास CPMF भी हैं और लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटीज अलग से लगी हैं, और कोई अगर इस तरीके की विध्वंसकारी एक्टिविटी करेगा तो देखते ही उसको गोली मारने का आदेश हमारे द्वारा दिया जाएगा, मजिस्ट्रेट साहब द्वारा। हमारे आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMTNews।